लेफ्ट साइड में काफ़ी दुकानें हैं, तो यहीं से हम अभी लगवाएंगे। और एक दुकान है जिससे मैं रेगुलर ज़्यादातर काम कराता रहता हूँ, वैसे टीवी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हो चुकी है 24 अगस्त, टाइम हो चुका है 11:40। अभी हम खड़े हुए हैं खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में, जैसे कि आप लोगों को पता है। अभी बस जैसे कल मैं आ गया था रात को 2 बजे, और जैसे अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके एक बार चेक करिए। 2 बजे मैं आ गया था रात को एयरपोर्ट में, मैंने टर्मिनल 3 पे ड्रॉप किया, फिर उसके बाद मैं वहीं सो गया था। तो सुबह फिर वहाँ से मैं 6 बजे निकल आया, फिर आ गया मैं अपने रूम पे, और अभी नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल आ गया हूँ। अभी जा रहा हूँ अपना कुछ नाश्ता पानी करूँगा, और आज मुझे कराना है गाड़ी में कुछ काम। आज मैं कोई भी ड्यूटी लेके नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं हूँ छुट्टी पे। और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊँगा मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ, वो भी एक यूट्यूबर के ज़रिए। एक यूट्यूबर है, तो उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि उसने मेरे साथ कैसे क्या फ्रॉड किया, क्या फ्रॉड सही है गलत है, आप लोग बताना। और आज की इसी वीडियो हम सारा खुलासा करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अभी हम निकलते हैं अपना कुछ नाश्ता पानी करके, फिर गाड़ी में कुछ काम कराना, थोड़ा बहुत गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। आज इस गाड़ी की आप समझ लो 3rd सर्विस होने वाली है, सॉरी 4th सर्विस है, हाँ 4th सर्विस है, जो 20,000 वाली होती है, तो वो हम कराएंगे आज बाहर से। अभी तक तो हमने सारी सर्विस जो है शोरूम पे कराई, लेकिन शोरूम की सर्विस और बाहर की सर्विस में ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं है, पर रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो इसलिए आज हम कराएंगे बाहर, क्योंकि जो हमारा मैकेनिक है शाहरुख भाई, इंदिरापुर में, जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने दिखा चुका हूँ जहाँ मैं काम कराता हूँ, वहाँ आज से नहीं करीब 4-5 साल से मैं काम करा रहा हूँ। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, फ़िलहाल हम जा रहे हैं वैशाली। वैशाली हमें ये साइड में जो ये टेपिंग आपको दिख रही है, ये जगह जगह उखड़ गई है, तो कुछ टेपिंग कराएंगे जाके, फिर और देखते हैं जैसा जो भी होगा आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे। इसी वीडियो में बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली सेक्टर 4 में, और काफ़ी दिनों से मेरे पास जो जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो बल्दी सिर्फ एक ही थी, तो अभी ये देखिए एक बल्दी में लेके और आया हूं। तो अभी बल्दी तो यहां से ले ली है, जो ड्रेस होती है ड्राइवरों की, क्योंकि आप लोगों को पता है ज़्यादातर मैं बाहर ही चलता हूँ, तो बाहर इस चीज़ को लेकर दिक्कत हो जाती है। इसका मेरे ख्याल से 10 जन 20,000 रुपये का तो चालान है, तो इससे बढ़िया ये है के 200-250 रुपये की बल्दी 300-500 रुपये की ले लो। तो अभी हम निकलते हैं फिर वैशाली में, एक दुकान और है जहाँ से मुझे रेडियम लगवानी है, जो टैक्सी गाड़ी पे लगती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था वो मेरी छूट रही है, तो इसलिए नहीं लगवाते हैं। तो चलिए वहाँ पहुँच के बताते हैं आपको कैसा क्या रहा। ये शर्ट मुझे फ़िलहाल मैंने ली है, जो मुझे पड़ी है 275 रुपये की। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जिस जगह से हमें गाड़ी का टेप लगवानी है, जो रेडियम होता है टैक्सी गाड़ियों के लिए। देख सकते हो आप मेरे लेफ्ट साइड में काफ़ी दुकानें हैं, तो यहीं से हम अभी लगवाएंगे। और एक दुकान है जिससे मैं रेगुलर ज़्यादातर काम कराता रहता हूं, वैसे टेप वेप की इतनी ज़्यादा रेगुलर काम ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो वही है, ये है देव फ्लेक्स प्रिंटिंग करके जो है आपको दिख रहा होगा। तो चलिए लगवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितने का खर्चा आया, कैसे क्या रहा, क्या लुक लग रहा है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हो गया, जब मैं टेप लगवाने आया था तो बारिश होने लगी है, इसकी वजह से आज तो टेप नहीं लग पाएगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं गाड़ी की सर्विस की तरफ, और देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो फ़िलहाल उस दिन भी मैं आया था टेप लगवाने, तो उस दिन भी बारिश होने लगी, और आज आया हूँ आज भी होने लगी, पता नहीं ऐसा क्या है, जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन बारिश होने लगी, तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, और यहीं मैं वैशाली में खड़ा हुआ हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से, और देखते हैं फिर अगर बारिश कम होती है तो दोबारा आएंगे, नहीं तो वैसे मुश्किल ही है, अब आज लग नहीं पाएगी फिर। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल बारिश होने लगी है, काफ़ी गंदी वाली काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है, तो इससे हमारे दो काम तो फ़िलहाल कट हो गए। एक तो हमारी जो गाड़ी की वॉशिंग हमें करवानी थी, अब जब बारिश हो रही है आप लोग देख सकते हो, तो अब हमें वॉशिंग करवाने का तो कोई मतलब नहीं है, और जो हमें टेप लगवानी थी रेडियम वो भी नहीं लग पाएगी। अब हम जाते हैं सीधी गाड़ी की सर्विस कराने।
तो फाइनली हमारी सर्विस हो गई है, गाड़ी हमें मिल चुकी है। टाइम हो गया अभी 2:12, और अभी जो पिछली बार मैंने सर्विस कराई थी, आप समझ लो उसमें सिर्फ मेरा ऑयल चेंज हुआ था शोरूम से, उसमें मेरा 4,000 का बिल आया था। और आज मेरा सारा काम हुआ है XYZ, उसमें अलाइनमेंट भी हो गया, ठीक है, अलाइनमेंट, और आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ, कूलेंट चेंज हुआ, ठीक है, सारा कुछ मिला के आप समझ लो मेरा 3,000 का बिल हुआ है। तो बाहर से और लोकल में सिर्फ यही फर्क रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर काम बढ़िया होता है या शोरूम पे बढ़िया होता है, शोरूम अपनी जगह बढ़िया है और बाहर से काम कराना अपनी जगह बढ़िया है। अगर आपका मैकेनिक जेन्युइन है, बढ़िया है, तो वो बाहर से भी काम बढ़िया ही करके देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी सालों से बाहर ही काम करा रहा हूँ, तो मेरा मैकेनिक काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको भी सजेशन यही दूंगा कि आप एक बार काम करा के देखें। XYZ कुछ भी कमी हो, मतलब A to Z सारे सॉल्यूशन आपको एक जगह पे मिलेंगे, आप लोग आ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं एड्रेस दे दूंगा। तो एक पहले मैं परफ्यूम लेता था, ये है डिजायर के नाम से, तो ये कई सालों तक मुझे परफ्यूम नहीं मिला, आज मुझे मिला, आप समझ लो ऑलमोस्ट करीब 2-3 साल बाद। तो पहले ये भैया नहीं लाते थे दुकान वाले, तो अब वो लाने लगे हैं, तो आज मैं लेके आया हूँ। ये काफ़ी बढ़िया होता है। और टैक्सी के पर्पस से मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना सर्विस जो भी करवाते हो, क्योंकि देखो टैक्सी वालों का इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है, तो उसके लिए बाहर से काम कराना बढ़िया है, अगर आपका मैकेनिक जेन्युइन है तो, ठीक है, पार्ट्स जेन्युइन डालते हैं कई, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बताते कुछ हैं करते कुछ और हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं कई सालों से करा रहा हूँ, गाड़ी छोड़ के भी मैं चला जाता हूँ, तो मुझे कभी कोई कैसी भी दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों अब इसी के साथ चलते हैं, अभी गाड़ी में थोड़ा सा काम और कराना है, बाहर जो डोर वाइजर और वो लगते हैं तो वो लगवा के फिर हम जैसा भी होगा आगे का अपडेट बताते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ड्यूटी तो नहीं आई है, तो चलिए चलते हैं फिलहाल। तो गाइस फाइनली टाइम हो चुका है 3:05, 3 बज गए हैं और हम आ चुके हैं अभी अपने रूम के पास, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में, और सारा काम हो गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं करीब निकला था 11 से 12 बजे के आसपास, तो उसमें मैंने गाड़ी की सर्विस भी करा दी, वॉशिंग में मुझे करानी थी, बट बारिश होने लगी इसकी ये मैंने कराई नहीं। उसके बाद फिर मैं वैशाली गया, वैशाली से मैंने वर्दी ली, वो ले ली, उसके बाद फिर मैं टेपिंग कराने गया तो वहाँ भी बारिश होने लगी, तो वो दो काम मेरे स्किप हो गए, इसकी वजह से फिर मैंने हुए नहीं। और उसके बाद फिर मैं गया सर्विस हो गई, उसके बाद फिर मैंने मुझे लगवाना था, ये देखो एक तो मैंने ये लाइट लगवाई है, क्योंकि रात में जब भी कई बार दिक्कत हो जाती है, जो गाड़ी के साथ में लाइट आती है वो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए फिर मैंने ये वाइट वाली लाइट लगवाई है LED। और बाहर मैंने डोर वाइजर लगवाए हैं, और बिडिंग होती है एक साइड में, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें टोटल जो मेरा खर्चा आया, ये तो मेरी लाइट हो गई 50 रुपये का, ये बल्ब था, इसमें कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। और 3 चीज़ें और लगवाई हैं, एक हैंडल क्रोम, और एक डोर वाइजर, और एक बिडिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिला के मेरी जो पड़ी हैं 1600 रुपये की पड़ी हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। और अभी आज का तो फिलहाल यही रहा, मैं बिडिंग अभी आपको गाड़ी से बाहर निकल के दिखाता हूँ। और दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ जो एक सीन हुआ, देखो आज के टाइम पे क्या है, मैंने ये चीज़ देखा है कि कोई भी आदमी जो थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है ना, वो बोलता कुछ है करता कुछ और है। एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम है विक्की के ब्लॉग करके, ठीक है। वो उनका कहना रहता है कि मैं ड्राइवरों को सपोर्ट करूंगा और आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझसे चैट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उनको मतलब उन्होंने नंबर दे रखा है, आप लोग जाके उनके चैनल पे सर्च मार सकते हो। उन्होंने एक कस्टमर के लिए नंबर अलग से दे रखा है 70 करके कुछ है, और एक है ड्राइवरों के लिए कि आप उस नंबर पे जाके मुझे SMS करिए WhatsApp पे, उस पर एक लिंक आएगा, उस पर 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कीजिए। मैंने सारा कुछ किया, मैं आपको ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। और मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, आज मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन हो गए। तो विक्की भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, बट ये चीज़ गलत है कि अगर आप दुनिया को इस बहकावे में बोल रहे हैं कि मतलब ड्राइवर को कोई सपोर्ट चाहिए आप मुझे कॉल करिए, ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। आप 1-1 रुपये, देखो 1 रुपये से कुछ नहीं होना, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन दुनिया को मतलब ऐसे किसी का टाइम वेस्ट मत कराइए ना। अगर आपको बात नहीं करनी
तो कोई बात नहीं है यार, मतलब आप अपनी जगह हो, हम लोग अपनी जगह हैं, आपको बात करनी है तो नंबर दीजिए, नहीं तो नंबर हटा दीजिए। अब मैंने उस पर भी मैसेज डाला, आज 3-4 दिन हो गए, ऐसी बात नहीं है कि 3-4 दिन में भी आपको एक बार भी टाइम नहीं मिला होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बस एक मेरा यही छोटा सा वो था कि मैंने बोल दिया, मेरे साथ ये सीन हुआ, ठीक है। जो मेरे साथ होता है मैं वो बोलता हूँ, और अगर आप लोगों को किसी को गलत लगता है तो मुझे बताइए, सही लगता है तो बताइए, ठीक है। पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जिसके साथ अगर गलत हो रहा है वो आज आवाज़ नहीं उठाएगा तो कल को और भी गलत हो सकता है, वो आपको झेलना पड़ेगा। तो विक्की भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। पर आप गलत हैं तो मैंने गलत बोला है, अगर आप सही हैं तो आप मुझे प्रूफ करिए, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ, मैंने ट्रांजैक्शन भी किया है, स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ अब आगे का अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर पे, और मैं आपको गाड़ी से बाहर निकल के दिखाता हूँ बिडिंग और डोर वाइजर, एक सेकेंड। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जो मैंने बिडिंग लगवाई थी वो ये मेरी नीचे लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने क्रोम वाले हैंडल लगवाए थे, ठीक है। और ये हमारी जो डोर वाइजर है वो लगवाई थी, तो सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। वॉशिंग में कराने जा रहा था बट उस टाइम बारिश होने लगी, और अब आप देख सकते हो कितनी गंदी धूप निकल रही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं खोड़ा में, अब हम जाते हैं फिलहाल अपने रूम पे। गाइस, तो टाइम हो चुका है 9:30, और जैसे कि उस टाइम आप लोगों को पता है मैं अपना गाड़ी का काम करा के आ गया था रूम पे, और फिलहाल आज हमारे पास कोई भी ऐसी बाहर की ड्यूटी नहीं आई है, तो मैं पूरे दिन सोता रहा और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो बस अभी मैं खाना ना खा पी के अपना जस्ट फ्री हो गया हूँ, तो अभी कल का भी मेरे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं है ड्यूटी का, तो देखते हैं कल, उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ड्यूटी आ जाए। तो अभी तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तो मैं रूम पे ही हूँ, अभी आज का कुछ नहीं आया, कल का भी कुछ नहीं आया, देखते हैं जैसा भी होगा जो भी होगा आप लोगों को अपडेट ज़रूर करेंगे। और आप लोगों को बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम अपना यहीं पर एंड करते हैं कल का अपडेट के लिए। प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ मैं। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।